Real one. तुमको मालूम नहीं आज अपने मालिक आ रहे हैं क्या? अरे किसी ने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं तो अगर बता भी देता तो क्या करती? क्या करती क्या, लड्डू बांटती। अच्छा, इसमें लड्डू बांटने की क्या बात है? अरे मैंने तो सुना है सेठ जी बड़े अच्छे दिल के हैं, सबसे बड़े प्यार से पेश आते और खास करके लड़कियों से। हाय हाय, तू तो ऐसे बात करे जैसे मिली है। मैं कैसे मिलूंगी, मैं तो नई हूँ ना। अच्छा अब बातें करना बंद करो और काम करो, समझी? जी, मैं सेठ जी का रूम साफ करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सेठ जी साल में एक दफे आते हैं और उनके रूम की चाबी उनके पास में ही रखते हैं और खुद सफाई करते हैं, समझी? तुम्हें जितना कहा गया उतना ही करो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। जी, लेकिन सेठ जी अपने रूम क्यों नहीं खोलने देते? सुना है आपने, अपने सेठ जी बजाज साहब के रूम में करोड़ों के डायमंड पड़े हैं, इसलिए वो अपना रूम किसी को खोलने नहीं देते। गुड मॉर्निंग सर। हमें एक रूम चाहिए। एसी डिलक्स या सादा? सादा, जिसमें एक बिस्तर हो, आई मीन बेड हो। जी आप अपना नाम और एड्रेस लिखा दीजिए। हाँ जरूर। गुड मॉर्निंग सर। कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। तुम? तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी मैं नई आई हूँ। दिल लगा के काम करना। जी सर। कैसी हो? जी ठीक हूँ। कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं। ओके। जस्ट अ मिनट। जय माता दी। तुम फिर से यहाँ आ गए हो? जो बात मैंने तुमसे कही थी याद दिलाने आया हूँ। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि होटल में तुम्हें नहीं बेचने वाला हूँ। वो बात पुरानी हो गई, अब क्या इरादा है? मैं आज भी तुम्हें कहता हूँ कि होटल में तुम्हें नहीं बेचने वाला हूँ। अच्छी तरह सोच लो बजाज साहब, आपके ना आगे कोई ना पीछे कोई, आपके बाद आपका ये होटल कौन संभालेगा? ये मेरा टेंशन है, ये होटल में तुम्हें नहीं बेचने वाला हूँ, समझे तुम?
मतलब तो नहीं है, पर आपकी फिक्र है। आपका एक पैर यहाँ और एक पैर मुंबई में होता है, और आपका कौन सा पैर आपको कब कब्र तक ले जाए, इसलिए मैं आपका हमदर्द हूँ, दुश्मन नहीं। मेरे आदमी तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाले, इसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ। आउट। नाराज क्यों होते हो बजाज साहब? आज नहीं तो कल आप ये होटल मुझे ही बेचोगे। आउट आउट, चलो जाओ यहाँ से। चलता हूँ। रखो रखो रखो, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। बदतमीज, इसे मालूम नहीं होटल मेरे लिए क्या है? होटल खरीदने आया था। पूछने आई थी कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं, तुम क्यों आई? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं करता हूँ। सर, फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। याद ही कर लिया तो बहुत है। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ। What a handsome Buddha. Sir, कहीं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? तुम्हारी। ओ सर, आप कितने हैंडसम हो। तुम भी बहुत खूबसूरत हो मेनका। सर, मैं जब भी आपको देखती हूँ जी चाहता है आपके पास ही बैठी रहूं और कुछ ना करूं। ठीक है, तुम्हारा जब जी चाहे आ जाया करो। तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोया हुआ था। सर, सच सच। ओ सर, सर, इसका मतलब ये है कि जो मेरे दिल में है वो आपके दिल में भी है। तुम्हारे दिल में क्या है मेनका? ओ सर, मेरे दिल में तो कुछ कुछ हो रहा है।
मेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है मेनका। तो क्या इस कुछ कुछ का इलाज नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओ सर, सर तो कुछ कुछ बहुत कुछ कर लीजिए ना। सच ये क्या है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। चल उधर पुल साइड बजा, सोड़ा दे। देती हूँ। चल चल जल्दी। देती हूँ देती हूँ देती हूँ। है क्या हो रहा? कुछ तो होता नहीं। क्या बोल रहा है ये? अपना गुरु ने तेरे को टालने को बोल रहा है। क्या? अरे अरे ये सोडा है ना, ये बिस्किट में टालने को बोल रहा है। ओके। क्या बोल रहा है? अरे अरे वो बड़ा डालने को बोल रहा है तेरे को। ऑल राइट। जल्दी डाल। बस अब क्या? अरे हिलाना, थोड़ा हिलाना उसको। ओके। टेबल को नहीं गुरु, गिलास को बोला रे। ऑल राइट। बस गुरु, अपना गुरु अब तेरे को बैठने को बोल रहा है। इधर हटना। अपना गुरु ना तेरे को पप्पी लेने को बोला। सॉरी गुरु, सॉरी। अपना गुरु ना उसको पप्पी देने को बोला है। देना। अब तक तुम्हें वो करती आई जो आपके गुरु का दिल चाह रहा था, अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल बोल रहा है। जल्दी करना। हाय गुरु, ये छोरी तो बड़ी एड़ी निकली गुरु। समझ गया गुरु, समझ गया। ये छोकरी को पटा डालते हैं रात को। जवा जवा
Thank you.
तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं भी आपसे मिलने बहुत बेताब थी। वैसे मैं आप ही के लिए पैदा हुई हूँ। तो फिर आओ मिनका, इस जाम को पियो। तुम्हारे होंठ लगते ही ये शराब और नशीली हो जाती है। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू आवर रिसोर्ट। मैं त्रिपाठी, मैनेजर ऑफ दिस रिसोर्ट। मुझे एक स्वीट चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सर। मैंने सुना है कि यहाँ पे काफी एकांत और शांति है। सर यहाँ पे शांति शांति और परम शांति है। आप आइए तो सही। क्या नाम बताया? त्रिपाठी। अभिषेक। हाय अभिषेक, हमारा प्लान तो सक्सेस हो गया। हमें जो हासिल करना था वो हमने कर लिया। अब हम इस दौलत से दुनिया की सारी खुशियां खरीदेंगे। आज मेरा प्लान कामयाब हो गया। तुम्हारा प्लान मतलब हमारा? ओके। अरे भाई, अब तुम और मैं और तुम। Thank you.
हाय, आई अनीता। मैं इस होटल का ओनर आर के बजाज। जानती हूँ, लोगों से बहुत सुना है आप बारे में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने ये होटल बहुत अच्छी जगह बनाया है, तालाब, स्विमिंग पूल और कितनी खूबसूरत हवाएं हैं यहाँ पर। थैंक यू। आपको भी जॉगिंग करने का शौक है? पुरानी आदतें हैं, पुरानी आदतें हैं, और आदतें कभी छूटती नहीं, छूटती नहीं। बहुत अच्छी आदत है आपकी। ओके, बाय, सी यू। सी यू। क्या बात है? Thank you.
सॉरी सर। बोलो। मुझे यहाँ पे इस वक्त आना तो नहीं चाहिए। अब आ गई हो तो बोलो। जी वो आप बहुत हैंडसम हो। पता है। और कुछ? और आप बहुत अच्छे हो। वो भी पता है। बोलो। कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। जा जा जा। बुढ़ापे का प्यार खतरनाक होता है। मैंने दिल की बात कह दी। किसने? तू नहीं समझेगा। मैं समझ जाऊंगा। बताओ। मैंने उसको दिल दिया। अभिषेक, अब हमें ये सोचना चाहिए हम इतने सारे रुपए कैसे और कहाँ खर्च करेंगे। डोंट वरी अनीता, ये तो बात की बात है। अभी तो हम बस एंजॉय करेंगे। मगर हमें अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। फिक्र मत करो डार्लिंग, जब हम इतना बड़ा गेम खेल सकते हैं तो भविष्य बनाने में कितना टाइम लगता है। वैसे मैंने अपने बारे में तो सोच लिया है। अपने मतलब हमारे? प्लीज मुझे भी बताओ ना। अरे सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? पियो ना। ठंड लग रही है तुम्हें? कम ऑन, रूम में चलते हैं। ओके। तुम्हें बता ही देते हैं कि मैंने क्या सोचा है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। ना जाने मेरा सर क्यों चकरा रहा है।
शिक, ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गया तुम? मैं पागल हो गया हूँ अनिता, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। बेवफा हो तुम, बेवफा। ठीक पहचाना तुमने, ठीक पहचाना। मैं सिर्फ बेवफाई नहीं, नहायत ही लालची और खुद गर्ज भी हो गया हूँ। अब मुझे पता चला तुमने मेरा इंश्योरेंस क्यों करवाया था। सारी दौलत से अकेले ऐश करने के लिए, समझी तुम? और तुम तो दुनिया की नजरों में कार एक्सीडेंट में मर ही चुकी हो। अब तुम्हें दोबारा मारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम चाहो तो मेरी सारी दौलत ले लो, पर मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ताकि तुम इंश्योरेंस वालों के पास जाकर मुझे 400 बीसी के केस में फंसा दो। नहीं अनिता नहीं, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तो मेरा रूम है। ये क्या है? सब रूम में कैमरे लगा के रखे हैं। बुढ़ा रंगीन मिजाज का है। था था, था। ये तो मेरी फोटो लगती है, बिल्कुल मेरे जैसी, यानी कि वेलकम बैक मिस्टर बजाज, वेलकम बैक।
गुरु झूम बराबर झूम शराब। ए भाई, ए भाई, तेरे पास लाइटर है क्या? मेरे पास नहीं है। अबे तो माचिस होगा यार। नहीं बोला ना। नहीं है, सॉरी ब्रदर, सॉरी यार। नहीं यार, अरे अरे सॉरी भाई, ए भाई माफ माफ करना भाई, तेरे को माचिस है यार, सोने ले, सॉरी यार। सो जा भाई, सो जा, चल गुरु झूम बराबर झूम। इनका क्या बात है, आज बजाज सब आए नहीं? हर रोज तो 7 बजे आ जाते हैं और अभी तो करीब 9 बजे। कुछ चिंता की बात तो नहीं ना? वो तो वक्त के बड़े पक्के हैं, फिर ना जाने क्यों नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार पड़ गए हो? मैं उन्हें देखकर आती हूं। कहां? उनके कमरे में। अरे ठहरो, तुम्हें पता नहीं बजाज साहब को अपने किसी भी कर्मचारी का उनके रूम में आना जाना पसंद नहीं है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं, मैं उनके दरवाजे पर पहले भी दस्तक दे चुकी हूँ। मैं आती हूँ। रुको, सोच लो मेनका, अभी तुम नई नई नौकरी पर लगी हो, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो कहीं की नहीं रहोगी तुम। अभी तुमने बजाज साहब का गुस्सा नहीं देखा। मेनका सुंदर सही कह रहा है, अगर ये नौकरी चली गई ना तो दूसरी नौकरी मुश्किल से मिलती है। हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर सोचते क्या करना है। बजाज साहब के रूम में जाने का ये अच्छा मौका है, मुझे ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए।
मुझे यकीन है बजाज साहब मुझसे नाराज नहीं होंगे। लगता है आज इसकी खैर नहीं। हेलो हेलो हेलो, अरे यार दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है सो रहे होंगे। मगर अगर सो रहे होते तो मेरी नौक सुनकर दरवाजा खोल देते। बाथरूम में नहा रहे होंगे। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं तो समझी थी कि मैं मर गया। मरे आपके दुश्मन सर, आप कैसे बातें कर रहे हैं? तो फिर तुम क्या समझी थी? मैं तो समझी थी कि आप सो रहे होंगे और फिर नहीं तो नहा रहे होंगे ना। आओ अंदर आओ। थैंक यू सर। भाई बात दरअसल ये है कि जरा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, रात जरा देर से सोया था और सर्दी जुकाम की वजह से मेरा गला भी आवाज भी आप जवान लग रहा हूँ। आप मेरे दिल की बात कितनी जल्दी समझ लेते हैं ना सर। भाई ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा दरवाजा जो है सिर्फ तुम ही नॉक करती हो, बाकी तो किसी में हिम्मत है ही नहीं। और फिर अचानक जब मुझे याद आया तब मैं उठ के गया और दरवाजा खोला। बात दरअसल ये है कि आजकल जरा मैं प्रॉपर्टी के टेंशन में रहता हूँ, जरा जरा सी बातें भूल जाया करता हूँ। अब देखो मैं ये भी भूल गया कि तुम्हारा नाम मेनका। मेनका मेनका, वेरी गुड नेम मेनका। मेनका ऐसा है कि अगर मैं छोटी मोटी बातें भूल जाया करूँ तो तुम मुझे जरा। फिक्र ना करे सर, मैं आपको याद दिला दूंगी। थैंक यू मेनका, एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखती है। जी सर। जितनी तुम खूबसूरत हो दिल की तुम उतनी ही अच्छी हो। थैंक यू सर। एक बात है, ये बात जो है किसी को बताना नहीं मेरे भूलने वाली, बेकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर। तो चले? जरूर सर। चल। जाओ, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है तिवारी? त्रिपाठी सर। हाँ त्रिपाठी त्रिपाठी, अरे तुम मुझे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो तो आज आप बहुत लेट आए ना, तो मैं सोच रहा था भगवान ना करे आपकी सेहत तो कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें हमारी तबीयत की फिक्र है। जी सर। भाई हमें जानकर बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे स्टाफ को हमारी तबीयत की फिक्र रहती है। थैंक यू सर। एक बात गौर से सुनो। हाँ जी। कल से होटल के रूम चार्जेस बढ़ा दो, समझे? लेकिन सर आपने तो कहा था कि कम कर दो। जी, और आज मैं ही कह रहा हूँ कि बढ़ा दो। बट सर इससे तो अपने क्लाइंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई इस बात की फिक्र हमें होनी चाहिए कि तुम्हें? नहीं सर, आपको होनी चाहिए। सुनो। हाँ जी। और कुछ? नो सर। सुनो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मेरा आज नाश्ता जो है फुल साइड पर भिजवा दो। जी बेहतर। मैं ले जाती हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आओ मेनका बैठो। सर मैं आपके पास बैठूंगी तो लोग क्या कहेंगे?
तुम्हें लोगों की पड़ी है, हमारी नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं, मैं तो वही करूँगी जो आप कहेंगे। तो आओ आओ आओ, फिर बैठो मेनका बैठो। तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता है दिन रात तुम बातें करता रहो। आपके पास बैठकर आपसे बातें करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेनका मेनका बताओ, इस बातों बातों में मैं तो एक बात तो तुमसे पूछना ही भूल गया। पूछिए ना सर। अरे मेरी इस भूलने की आदत ने तो मुझे ये भी भुला दिया कि हमारे स्टाफ में कौन कौन है, है? अब क्या करूं मैं, अब कैसे, अब, है? उनके नाम क्या है? वो मैं आपको बताती हूँ ना सर। बताओ। हमारे टीम में कुल 5 मेंबर हैं, ओके? तो रिसेप्शनिस्ट का नाम है मिसेस पटेल, ओके। मैनेजर मिस्टर त्रिवेदी, हाउस में त्रिवेदी है या त्रिपाठी, कुछ मैंने ऐसा सुना था। यस त्रिपाठी, आई एम सो सॉरी सर। तुम भी भूलने लगी हो मेनका। एंड हाउसमेड, हाउसमेड आरती, आरती आरती हाँ। एंड वेटर सुंदर, और मुझे तो आप जानते हैं ना सर। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेनका, जब तुम मेरी इतनी हेल्प करती हो, इसी तरह मेरी हेल्प करती रहोगी तो बहुत जल्दी तरक्की पा जाओगी मेनका। नो 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 अभिषेक, नो नो अभिषेक, नो नो अभिषेक, नो, मुझे मुझे मत मारो मुझे। आई एम सॉरी मिस्टर बजाज, आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मेरा दिमाग शैतान का है, शैतान का। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप जा रहे हैं? हाँ। इतनी जल्दी? हाँ, जिस काम के लिए आया था वो हो गया, एनी प्रॉब्लम? नो 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 प्रॉब्लम सर, आई होप यू एंजॉय दिस प्लेस। मैंने आपका पेमेंट कर दिया है। ओके ओके, इट्स ओके सर। ओके सर, एक मिनट, आप अकेले जा रहे हैं? हाँ। आपकी वाइफ? ओ वाइफ, हाँ, शी इज लेफ्ट, रात में चली गई थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ही चली गई। हाँ जी हाँ जी। एनीवे आई होप यू एंजॉय सर। यस, और दोबारा जरूर आइएगा, होटल आप ही का है सर। आई विल बी बैक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। चलो। क्या है? तुम जा रहे ला साहब? हाँ, अकेला जा रहे ला? अरे क्या प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों का, जो देखो अकेला जा रहे ला, अकेला जा रहे ला। उनका मतलब है बीवी को छोड़ के जा रहे ला क्या? माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो तुम। चलो चला, कल चश्मे में सूरदास लग रहे ला। समझ गया गुरु, बकरे को भी अलाउ कर डालते सर। चलो सुंदर। क्या करो तुम लोग, साला बहुत बदबू बनता है, मैंने जरूर सुबह पी लेते। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। आज सर ने किसी से बात नहीं की, चुपचाप चले गए। लेकिन साहब बाहर गए कब थे, और हमने बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। हाँ, हमने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस वक्त वो यहाँ से चले गए हो, यहाँ पर कोई ना हो, लेकिन मैं तो यहाँ सारा वक्त खड़ी रहती हूँ। ये सब तो ठीक है, पर गौर करने वाली बात यह है कि आज साहब की उंगली में वो अंगूठी भी नहीं थी जिसे हर वक्त प्यार से सहलाया करते थे। तो अरे उनकी बीवी की आखिरी निशानी है भाई। Wow.
मेनका ही होगी। ये तो बंद कर लूं पहले। क्या बात है मेनका, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, खुशी की कोई वजह तो होगी, हमें नहीं बताओगी? शर्माती सर। अरे भाई, तुम इस तरह से बातों बातों में शर्माओगी तो तुम्हारे दिल की बात हमें कैसे पता चलेगी? है वो कहना सर, आपकी उंगली में जो अंगूठी थी वो कहाँ है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है ना सर, वो आपकी स्वर्गवासी पत्नी की निशानी थी ना सर। तुम्हें कैसे पता चला? त्रिपाठी जी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी बरसों की पहनी हुई स्वर्गवासी पत्नी की ये निशानी है, आपने ना जाने क्यों निकाल दी। ओ, तो त्रिपाठी ने बताया। और सर मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने ये अंगूठी मेरी वजह से उतारी है ना? आप चुप क्यों हैं सर? हाँ कुछ ऐसे समझ लो। Oh, I love you, sir. I love you. अंगूठी। लाश कहाँ गई? लाश कहाँ गई? मुझे वो अंगूठी चाहिए। लाश कहाँ गई? अभिषेक, तुम? हाँ मैं अभिषेक साहब। तू मेरी हर बात पर नजर रखता था। हाँ, क्योंकि मुझे शुरू से इस शक था कि तू आर के बजाज साहब नहीं है। कमीने, जब मैं बजाज को मार सकता हूँ तो तू क्या चीज? नहीं, छोड़ दे मुझे। जा, तू भी बजाज के पास।
मस्ती भरी मैं जवानी हूँ, अनकही कहानी हूँ, आज तुम मेरा अंजाम मैं तेरा, गांव से गांव मिला मस्ती भरी मैं जवानी हूँ, अनकही कहानी हूँ, आज तुम मेरा अंजाम मैं तेरा, गांव से गांव मिला जितना करोगी आखिर बजाज की लाश गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी में कहीं और तो अपना लिया था और भूल गया? नहीं, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। तो फिर लाश गई कहाँ? कहीं अनीता ने तो लाश को गायब नहीं कर दिया? खैर, ना अनीता पुलिस के पास जा सकती है और ना बजाज। हेलो। जय माता दी। पहचाना बजाज साहब? मैं भाई बोलता। भाई? हाँ जी, कौन भाई? मजाक मत करो, और बताओ क्या डिसाइड किया? अजी भाई, मुझे मजाक करने की आदत नहीं है, जरा आप खुल के बोलिए। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, या आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। चलो मैं ही आपको बताए देता हूँ, होटल बेचने का इरादा है या बदल दिया? होटल बेचने का इरादा? हाँ जी। हेलो, हाँ बोलिए, फरमाइए। हाँ जी। देर से ही सही, चलो समझ तो आया। हाँ जी। लेकिन अब सोचने का कोई फायदा नहीं, जान है तो जहान है, और जहान में रहने के लिए जान बहुत जरूरी है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो बोलो, तीन खोखा तैयार पड़ा है, कहाँ लेकर आ जाऊं? ठीक है, लेकिन डील आज ही हो जानी चाहिए। समझ गया, मैंने सब पेपर भी तैयार करा रखे हैं। बोलो कब मिलना है? इसी होटल में। रात को ये होटल आपका हो जाएगा। जय माता दी। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी, रात में मिलते हैं। ओके। वाह भाई, मेरी तो निकल पड़ी है, होटल बिक गया समझो। कौन है? ये लो एग्रीमेंट पेपर, साइन कर दो, और ये 3 करोड़ का बैग तुम्हारा। पेपर बराबर है सब? हाँ बिल्कुल। ठीक है, साइन करो। सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं तो ये बताने आई थी कि 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 तालाब के किनारे किसी की लाश पड़ी है। लाश पड़ी है? जी सर। क्या बकती हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। आप क्या, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँ? नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो, मैं देखता हूँ, तुम चलो। ओके सर। पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। जी सर। बजाज साहब, ये लाश का क्या मामला है? तुम्हें होटल खरीदना है या डील कैंसिल करूं? ठीक है, तुम साइन कर दो। गुरु, गड़बड़ है। लो, चलो चलो। समझ गए गुरु, इस टकले को भी टपका मानते हैं।
इस लाश को देखकर तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं हो रहा है? टेंशन? मुझे क्या टेंशन, मुझे तो होटल चाहिए, मुझे इस लाश से कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारा टेंशन है, तुम जानो। आज के बाद इस होटल में कोई भी लाश वाश मिलेगी वो मेरा टेंशन होगा। आज के बाद ये होटल का मालिक मैं हूं। मिस्टर अभिषेक, ये तुम्हारा वहम है, इस होटल का असली मालिक अब भी मैं ही हूं। पेपरों पर साइन करवाने से पहले ये तो चेक कर लिया होता कि साइन करने वाला असली है या नकली। भाई भाई, ये बहरूपिया भाई, बस न्यूयॉर्क के बजाज मैं हूं। बहरूपिया मैं नहीं, ये है। इसका नाम और के बजाज नहीं, अभिषेक है। और इसके चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। लेकिन तुमको तो मैंने मार दिया था, फिर जिंदा कैसे बच गए तुम? इसका जवाब अनीता देगी। अनीता? लेकिन अनीता तो मर चुकी है। अनीता अभी जिंदा है अभिषेक। अनीता तुम? मैं ही नहीं, मैनेजर साहब भी जिंदा है, जिन्हें मरा समझकर तुमने तालाब में फेंक दिया था। अभिषेक, क्या तुम समझते हो खेल खेलना तुम्हें ही आता है? मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी, समझे? जिस समय तुम मुझे मारकर मिस्टर बजाज के पीछे भागे थे ना, उस समय धीरे धीरे मुझे होश आया। मैंने देखा तुम मिस्टर बजाज को दफना रहे थे। जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से मिस्टर बजाज को बाहर निकाला। मैंने देखा उनकी सांसें चल रही थी, मैं उन्हें लेकर अस्पताल चली गई और इस तरह हम दोनों बच गए। अभिषेक, अनीता का एहसान है मुझ पर, आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह अनीता है। मैनेजर को भी अनीता ने बचाया है। बजाज साहब, जब बच ही गए हो तो इन पेपरों पर असली साइन कर दो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। साइन करो, चाहे मेरी जान चल जाए पर मैं साइन नहीं करूंगा। बजाज साहब, साइन करते हो या मैं अपनी औकात दिखाऊं? ये करेगा भाई? भाई भाई, लड़की मेरे कब्जे में भाई, अब बजाज तो क्या उसकी परछाई भी साइन करेगी? कर, साइन कर। अब साइन करता है कि नहीं? मैंने
तुमने कहा ना मैं साइन नहीं करूंगा, तो तुम्हें अपनी मेनका की भी परवाह नहीं है बजाज। साइन कर दो या इसे उड़ा दूं। चल जल्दी। हाँ मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करता हूँ। नहीं 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 सर, मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन ये होटल इन कमीनों के हवाले मत कीजिए। नहीं मेनका नहीं, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती ये होटल नहीं। अगर जिंदगी रहे तो दूसरा होटल भी हम बना लेंगे। अभिषेक अभिषेक, मेनका को छोड़ दो। अनीता, तू मुझे नहीं मार सकती। अनीता, यू लव मी, तू मुझे नहीं मार सकती। मैं तुम्हें मार सकती हूँ। जब तुमने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो मैं क्यों छोड़ूं? मेरा नाम भाई है जीवा भाई। भाई कभी निहत्ता नहीं चलता बजाज। साइन करते हो नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। साइन करो बजाज। मैं नहीं करूंगा साइन। गोली चला दूंगा बजाज। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर अभिषेक। वी आर फ्रॉम सीबीआई। आई एम इंस्पेक्टर मिश्रा एंड ही इज इंस्पेक्टर कपूर। इंस्पेक्टर कपूर। राइट सर। मिस्टर अभिषेक, जब तुम इंश्योरेंस वालों की आंखों में धूल झोंक कर और अपनी गर्लफ्रेंड अनीता को कार एक्सीडेंट पे मरा हुआ साबित करके फरार हुए और इंश्योरेंस का सारा पैसा तुमने अकेले हड़प कर लिया और बजाज के रूप में यहाँ आकर छुप गए, तभी से हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तुम्हारी हर एक्टिविटीज पर नजर रखते हुए यहाँ पहुंच गए और यहाँ पहुंच कर हमने देखा कि तुम्हारे अलावा भी हैं कुछ लोग जो इस गुनाह की बारात में शामिल हैं, मगर गुनाह की घड़ी ज्यादा लंबी नहीं चलती। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। Oh.